तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों इस टिप्स से तो आपका काम आसान होगा ही होगा और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाले हैं, पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों इस तरीके से है, बच्चों का स्केच कलर पेन लेके, जो ये स्केच कलर होता है आपने सुना होगा, तो बच्चे को तो हम दे देते हैं खरीद के, लेकिन क्या है ना कि बच्चे कभी इसका कैप गुम कर देते हैं, कभी कलर भी इसमें से गुम कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा हैक टिप है कि सबसे पहले क्या है ना कि ये जो स्केच कलर है क्या करना है, इसको एक सार इसको इकट्ठा कर लेना है, जैसे कि मैं करी एक बराबर। अब देखिए मैंने चौड़े वाला टेप ले लिया है, चौड़े वाले टेप को मैं जैसे कि इसके ऊपर लगा देना है। अब देखिए इस तरीके से लगाने के बाद अब आप देखेंगे ये जो बच्चे का ये जो स्केच कलर जो होता है इसका कैप निकल के खो जाता है, कैप इसी में ही रहेगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसमें से कैप गुम नहीं होगा। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो कलर होते हैं ना इसके कैप ही खो देते हैं, कैप खो देते हैं, तो ये जो है कि इसकी जो कलर होता है ना ये बिल्कुल ही इसमें से धीरे धीरे जो वाटरप्रूफ होता है ये धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टेप मैंने लगाया हुआ है इस तरीके से टेप अगर आप लगा देंगे तो देखेंगे कि ये जो ढक्कन है ना बिल्कुल ये टेप में ऑर्गेनाइज रहेगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगा इसमें से निकालेंगे और बहुत इजली तरीके से कलर वगैरह या जो कुछ भी हेडिंग वगैरह लिखना वगैरह है इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं जो भी कलर चाहिए, बहुत ईजी और आसान तरीका है दोस्तों। ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का है, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर बच्चे ये खो देते हैं इसके कलर ढक्कन खो देते हैं तो इस ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। दोस्तों इसमें से कोई ढक्कन नहीं खोने वाला है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब देखिए जो टेप में मैंने किया इसको जैसे कि पन्नी में आया था इसी तरीके से पन्नी में डाल दीजिए, बिल्कुल भी इसमें से गुम नहीं होगा, अब बिल्कुल सेफ्टी पड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, पर उम्मीद करती हूँ पसंद जरूर आया होगा। अगला है टिप दोस्तों ये जो तेल, जो कढ़ाई में तेल जला हुआ रहता है हम क्या करते हैं, इस तेल को तो मतलब अपनी तरफ से छन्नी से छान के निकालते हैं, लेकिन जब ये तेल में छानने के बाद भी ये हमारा इतना डस्ट निकला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कितना सारा इसमें से डस्ट निकला हुआ है, तेल में से छन्नी से मैंने छाना हुआ है तेल, फिर भी इसमें से डस्ट निकला हुआ है, नीचे जो कड़ रहते हैं वो जम गए हैं। तो दोस्तों हमें तेल कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा जला हुआ तेल रहता है तो बिल्कुल भी इसको खाने का मन नहीं करता है। अगर पराठा वगैरह भी हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा काले काले हमारे पराठे भी बनते हैं। तो दोस्तों मैंने ले लिया है छन्नी में, चाय छन्नी है, इसमें मैंने टिशू पेपर डाल दिया है। टिशू पेपर डालने के बाद अब ये जो तेल है ना धीरे धीरे मुझे इसको डाल देना है। अब देखिए धीरे धीरे डाल देना है इसके अंदर, अब देखेंगे कि टाइम तो लगेगा छन्ने में, लेकिन ये कि ये बूंद बूंद छनेगा और बहुत इजली तरीके से ये इसके अंदर धीरे धीरे छनेगा, अब बिल्कुल ये फिल्टर होकर तेल निकलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें डालने के बाद आपको छोड़ देना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं बहुत इजली तरीके से दोस्तों ये तेल बिल्कुल हमारा फिल्टर होकर निकलता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बूंद बूंद निकलेगा, तो चलिए मैं इसको रख देती हूँ, अब इसको बूंद बूंद टपकने देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरीके से ये बूंद बूंद टपक के ये फिल्टर होके ये हमारा बिल्कुल जो तेल है बिल्कुल ओके हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। चलिए दोस्तों जितना भी कटोरी का था तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब मैं इसको रख देती हूँ फिल्टर होने के लिए। तो ये जितना भी तेल है अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जरा सी देर में फिल्टर हो चुका है, अब देख पा रहे होंगे जितना भी डस्ट है ना ये हमारे टिशू पेपर में बिल्कुल जो बारीकी डस्ट है टिशू पेपर में आ चुका है। अब टिशू पेपर का थोड़ा सा निचोड़ लेना है, अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही मेरा तेल फिल्टर हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो तेल है ना बहुत इजी तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, अब बिल्कुल भी इसमें कड़ नहीं आते हैं, डस्ट नहीं आते हैं। तो दोस्तों आई होप कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों और साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अगला है टिप इस तरीके से रिंग को लेके है, तो होता है ना दोस्तों कि कभी कभी हम अंगूठी पहने रहते हैं अपने हाथों में,
लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमारे हाथों में कोई जहरीली कीड़ी भी काट लेते हैं या कोई मच्छर भी काट लेते हैं तो हमारे उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाता है तो हमारी अंगूठियाँ भीज जाती है, तो हमारा अंगूठी जो है ना निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। तो देखिए मैं रील वाला ही धागा ले ली हूँ, किनारे से मैंने डबल कर लिया है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली तरीके से अंदर चला जाता है, और नहीं तो इस तरीके से किसी टूथपिक के वगैरह से हेल्प से इसके अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए ये जो धागा है ना ये बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे इसके ज़रिए से आपको प्रेस कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये जो हमारी उंगलियाँ हैं ना एकसार हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है, अब इकट्ठा करने के बाद अब देखिए मैं तोड़ लेती हूँ, और तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे एक टेप लगा देना है। टेप लगाने से क्या है किनारा बिल्कुल भी नहीं भागेगा और मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा। जी हाँ, चलिए मैं यहाँ पे टेप लगा देती हूँ। तो टेप लगा देती हूँ दोस्तों, टेप के ज़रिए से हमारा चिपक जाता है इसमें, अब बिल्कुल भी धागा लूज नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा ये टेप में गम नहीं है तो मैं दूसरा टेप लगा देती हूँ यहाँ पे। और दोस्तों इस तरीके से जो ये रिंग है ना, कभी अगर किसी के साथ भी बाई चांस हो जाता है तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब। अब देखिए जो मैंने कोना छोड़ा हुआ है इसको उल्टा घुमाना है, जैसे कि हमने लपेटा उस तरीके ने इसको उल्टा घुमाना है, बस उल्टा बस इसको घुमाते जाइए और आगे की तरफ प्रेस करते जाइए। अब देख पा रहे होंगे मैं अंगूठी में हाथ नहीं लगा रही हूँ, ये अंगूठी हमारी इस उंगली में काफ़ी टाइट है, यहाँ से भीच भी चुकी थी, थोड़ा इसमें मच्छर ने काट लिया तो मुझे ज़्यादा ही एलर्जी टाइप में हो रहा था, थोड़ी स्वेलिंग भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा इसको निकाल भी दूँ और आप में ये वीडियो शेयर भी कर दूँ। अब देखिए धीरे धीरे इसको प्रेस करते जाना है, ये अंगूठी हमारे बिल्कुल नीचे आ चुकी है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है अंगूठी वाली आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए इस तरीके से अगर चाहे तो मोटा धागा भी ले सकते हैं आप, तो मैं अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये इजीली तरीके से हमारी अंगूठी इसमें निकल चुकी है उंगली में से। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है ट्रिक दोस्तों इस तरीके से हमारी चूड़ी को लेके है। जब दोस्तों हमारे घर में ज़्यादा चूड़ी हो जाती है, हमें चूड़ी पहनना पसंद भी होता है क्योंकि पार्टी पर जो चूड़ियाँ हैं ना, हम इसको अगर सही से नहीं रखें तो इसके स्टोन वगैरह जो नग वगैरह है ना ये ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये लेके आई हूँ कि जब भी हमारे घर में इस तरीके की चूड़ियाँ ढेर सारी हो जाती है, हम इसको कैसे भी रखें लेकिन ये धीरे धीरे ख़राब हो ही जाती हैं, तो क्यों ना हम इसको अच्छी जगह रखें, सुरक्षित रखें और सेफ रखें। तो दोस्तों ये चिमटा मैंने ले लिया। चिमटे का इस्तेमाल तो हम करते ही करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम चिमटे का इस्तेमाल कल करेंगे आज करेंगे, लेकिन हमारे चिमटे का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। और दोस्तों मैं चिमटे ज़्यादातर यूज ही नहीं करती क्योंकि रोटी भी मैं तवे पे ही फुलाती हूँ, चिमटा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती। तो एक्स्ट्रा ही चिमटा ये मेरा पड़ा हुआ है तो मैं इसमें ही चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, और चूड़ी हमारे लंबे समय तक के सेफ भी रहेगा और इसमें से चूड़ी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अब आप देखेंगे ये मैंने 4 दर्जन चूड़ी डाला हुआ है इसमें। जी हाँ, अब इसमें 4 दर्जन चूड़ियाँ बहुत ही आराम से आ जाएगी। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इतना स्पेस इतना जगह छूटा हुआ है, अब बहुत इजीली तरीके से चूड़ी इसमें सेफ रहती है। और दोस्तों इसको लगाने चूड़ी डालने के बाद क्या करना है, जो चिमटे का माउथ वाला पार्ट है यहाँ पे मुझे एक रबड़ लगा देना है, रबड़ लगाने के बाद आप इसको किसी तरीके से भी रखोगे अब देखिए बिल्कुल भी चूड़ी नहीं गिरने वाला है। अब इसको आप चाहे तो कहीं हैंग कर दीजिए, तो चलिए मैं हैंग भी करके दिखाती हूँ, बिल्कुल मेरा परफेक्ट आइडिया है। चाहे तो इसके ऊपर एक पन्नी लगा के कवर करके आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, बिल्कुल भी इसमें से चूड़ी जो है ना आपका डस्ट नहीं इस पर होगा और बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं। आई होप दोस्तों छोटा ट्रिक आपसे पसंद आया होगा, पसंद आया दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।